हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग फॉर सक्सेस। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है एसबीआई क्लर्क प्री की। मैंने बोला मुझे नहीं पता है इसके बारे में कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मैंने कहा हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि इतनी कट ऑफ रह सकती है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये फेयर है कि हाँ ये बता सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, जो जो पूछ रहे थे उसका इसमें आंसर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं फैक्ट्स बताना चाहूँगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या हैं फैक्ट्स। तो सबसे पहले जो फैक्ट है वो है 10 टाइम्स लास्ट ईयर जो जो कितने लोग सिलेक्ट हुए थे वो थे 20 टाइम्स। ठीक है, 20 टाइम्स सेलेक्ट किए गए थे मेन एग्ज़ाम के लिए, बट इस साल सिर्फ 10 टाइम्स लिए जा रहे हैं। मान लीजिए लास्ट ईयर 40,000 लोगों को लिया गया था, इस बार 20,000 लोगों को लिया जाएगा मान लीजिए। ठीक है, वो नहीं बता रहा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि 10 टाइम्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, क्या किया है यहाँ पे पैटर्न में, 20 20 मिनट्स दे दिया है प्री के अंदर। लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि हमें हमें खुद टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा था अपने हिसाब से, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा था। ठीक है, तो जैसे कि लोग क्या करते थे कि इंग्लिश को 10 मिनट से अंदर करने की कोशिश करते थे और रीजनिंग एंड मैथ को 15 मिनट में करते थे दोनों को। जैसे कि 25 मिनट में रीजनिंग कर ली एंड 25 मिनट में काउंट कर ली, बट इस बार ऐसा नहीं है। 20 20 मिनट्स मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के लिए। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इजी पार्ट्स होते हैं जिसमें सियोरिटी होती है 100%, वो नहीं कर पाओगे आप। जैसे इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग में आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो 35 35 क्वेश्चन कर लेते थे, 30 क्वेश्चन मैथ में कर लेते थे, वो आप नहीं कर पाओगे आप। तो कितने कर पाओगे, ठीक है, गुड अटैम्प्ट आप कितने कर पाओगे, ये है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये गुड अटैम्प्ट होंगे कि इतना कर सकता है कोई भी बंदा। मैथ में आप 25 कर पाओगे, 20 मिनट में 25 कर पाओगे, क्योंकि देखो इसमें सीरीज आएगी, सिंप्लीफिकेशन आएंगे, DI आएगी, तो ये सब थोड़ा इजी होता है, आप इजीली 25 कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में 2 पजल आप लगाओगे, 15 क्वेश्चन मिसलेनियस के आप इजीली कर सकते हो, जिसमें सिलॉग विलॉग ये सब भी होंगे, तो आप इजीली 25 कर सकते हो। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरेज बच्चा इतना कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो ठीक ठाक करता है क्वेश्चंस वो इतने कर सकता है। ठीक है, इससे थोड़े भी कम भी करेगा कोई बात नहीं, बट इतने कर सकता है कोई भी। उसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, तो इंग्लिश में आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इजीली एवरेज बच्चा की बात करूँ कि इतने मार्क्स वो ला सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉपर इतने ला सकता है कि नहीं ला सकता, एवरेज बच्चा 15 ला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, सिंप्लीफिकेशन का भी इजी इजी चीज़ भी हो जाती है, हार्ड हार्ड भी हो जाती है, तो 15 आप ला सकते हो। ये 50% है मैं इंग्लिश का। तो इसके हिसाब से देखो, मैं कहता हूँ इसके हिसाब से जो कट ऑफ होगी वो नॉट मोर देन 65। 65 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी फ्रेंड, कोई भी स्टेट ले लो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और ये तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, तो आपकी कट ऑफ ऐसे होगी 60 61 62, ऐसे होगी टू क्लियर द प्री एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद मेन में आप जाओगे वो बात अलग है, उसकी बात बाद में करेंगे, बट मुझे यहाँ पे लगता है 65 से ऊपर नहीं होगी फ्रेंड्स। एक बार और कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए। एंड मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।